दीपांशु देखिए, आईटी पूरा सेक्टर मजबूती बना के रखा हुआ है और इस पूरे हफ्ते में हमने देखा आईटी स्टॉक्स में एक एक करके बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। एचसीएल टेक गैप अप ओपनिंग है तो थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है, लेकिन ओवरऑल पोजीशंस होल्ड रख के चले स्टॉक के अंदर। यहां से ऊपर में 1350 तक के लेवल आने वाले दिनों में एचसीएल टेक में देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी डिप अगर 1250 की तरफ देखने को मिलता है तो फ्रेश खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें। 1300-1350 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे एचसीएल टेक के अंदर। तो ये है आपके लिए एचएल टेक्नोलॉजीज। आइए ओपनिंग के बाद का पहला बिगुल सच जी के लिए बीटीएसटी। बताए सर। इनफैक्ट आईटी में कोफोर्ज का स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट होना चाहिए। जिस तरीके से इसकी प्राइस परफॉर्मेंस है 55.20 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग डिप्लॉय करने की सलाह होगी। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है इंट्राडे के लिहाज से ही लगभग अराउंड 56.50 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 5730 का। खरीदारी करनी है कोफोर्ज के फ्यूचर्स में। ओके, तो कोफोर्ज पर करें खरीदारी। मिड कैप आईटी की मैं बात कर ही रहा था, कोफोर्ज परसिस्टेंट दोनों में अच्छा एक्शन है। एलएनटी इन्फोटेक एम्फेसिस यहां पर भी एक्शन बन रहा है। इन्फोसिस और टीसीएस लार्ज कैप में एचसीएल टेक को ये दोनों कंपनी दे रहे हैं। बंसल जी, टीसीएस आपका कॉल भी था आज सुबह पिक ऑफ द डे में सर, अच्छे मोमेंटम के साथ खुला है। 3700 का टारगेट था, करीब 3690 पर स्टॉक आते हुए दिखाए। ट्रेड इन लेवल्स पर भी इनिशिएट करना चाहिए सर या फिर अब डिप का इंतजार करें? देखिए दीपांशु, 10-15 रुपए में तो टीसीएस में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इन स्तरों पे भी बाइंग करनी चाहिए। स्टॉक एक रेंज से निकल गया है, रेंज से निकल गया है, और डिप पे बाय करने का ये है कि 15-20 रुपए नीचे बाय तभी करें जब आपने ऊपर ले रखा हो, तो इन स्तरों पे भी लेना चाहिए। स्टॉक ने नतीजों के बाद से एक करेक्शन दिखाई थी, उस करेक्शन के खत्म होने के संकेत हैं। 3700 तो इंट्राडे के लिए दिया है, मुझे तो लग रहा है अगले दो दिन में 3750-3760 तक भी जाने का दमखम रखता है। ओके, तो ये है आपके लिए टीसीएस। सुमित जी, एलएनटी फाइनेंस वायदा कारोबार का टॉप